आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार, अब तक 11 राज्यों में मिले केस। सांसद शफीकुर रहमान के बाद अब एक और एसपी एमपी एसटी हसन की फिजली जुबान, लड़कियों को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान। पश्चिम बंगाल सरकार के पेगासस जांच आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस किया जारी। लखनऊ में गृहमंत्री अमित शाह की रैली, बोले निषाद पार्टी की भीड़ बता रही बीजेपी का आंकड़ा होगा 300 के पार। लखीमपुर खीरी कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे पर सियासी घमासान लगातार जारी। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। विधानसभा पिरान कलियर के ग्राम भारापुर में वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश सैनी की तरफ से बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। वरिष्ठ समाज सेवी मुनीश सैनी के प्रस्ताव पर उत्तराखंड सरकार की ओर से यह आयोजित किया गया था, जिसमें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग प्रमाण पत्र, विकलांग पेंशन बनाए गए। इस कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश सैनी ने कहा कि सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उससे लोग लाभान्वित होते हैं। उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार की हमेशा से कोशिश रही है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं वो भारत के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। आपको बता दें कि देहरादून में हुए प्रोग्राम विजय सम्मान रैली में राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा वाले क्या जाने किस शहादत क्या होती है, हमारे परिवार ने वो शहादत दी है। इसी बयान पर अब मुनीश सैनी ने कहा है कि जो लोग हमारी सेना को अपशब्द कहते थे और ये कांग्रेसी कोविड में अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल से ट्वीट कर रहे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे देश के हर गांव में हर घर में काम कर रहा था। प्राइम टीवी में नमस्कार, आपके साथ आज बात करते हैं विधानसभा पिरान कलियर क्षेत्र की, जो भारापुर गांव में आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। आज इनसे बात करते हैं कि किस तरीके का शिविर लगाया गया है। ये हम लोगों के द्वारा विधानसभा के अंदर एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें दो पहले हो चुके हैं। दूसरा कैंप ये है, पहला हमारा गुमावाली मार्केट में हुआ है, दूसरा कैंप में हुआ, तीसरा कैंप आज भारापुर में कराया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो सारी को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्तिगत आदमी के घर पर कैंप का आयोजन नहीं कराया गया है, सरकारी स्थान पर ही कैंप का आयोजन कराया गया है, प्रत्येक व्यक्ति आगे इसका लाभ ले सके। यहाँ की जो जनता है आपके ऊपर उम्मीद लगाए बैठी है कि यहाँ की गंजी आप निकाल सकते हैं, इसके बारे में आप क्या? बिल्कुल, अगर मेरे भाई बहन बच्चे मेरी माता बुजुर्ग किसी को भी कोई परेशानी होगी तो उसके लिए मैं बिल्कुल जो समर्पित हूँ, और किसी भी काम के लिए मैं हर समय 24 घंटे खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा निवास जो यही रहा इसमें कलियर विधानसभा के अंतर्गत ही, और मुझे इन लोगों का इतना प्यार मिला है कि इन्हीं लोगों के द्वारा सहयोग से एक संस्थान भी यहाँ ओमिक्रॉन का कॉलेज, वो सब लोगों के सहयोग से यहाँ पर स्थापित हुआ है, उसका सब लोग लाभ लेते हैं। जैसे कल राहुल गांधी की रैली को लेकर एक देहरादून में प्रोग्राम था, उसमें राहुल गांधी जी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी क्या जाने शहादत के बारे में, शहादत हमने दिए कांग्रेस बता रही है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, वैसे तो किसी व्यक्तिगत आदमी पर टिप्पणी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन माननीय राहुल जी को ये सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जानती शहादत के बारे में। भारतीय जनता पार्टी जो लोग हमारे सेना के लोगों को गाली देते थे और उनको जो बताते थे स्वर्गीय विपिन रावत जी के लिए भी क्या क्या उन लोगों ने नहीं कहा, आज उनकी कटआउट लगा के, आज उनके फोटो लगा के वो बता रहे कि हम शहादत के बारे में जानते हैं। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ही शहादत के बारे में जानती है। उन लोगों को तो खाली घर में एसी में बैठ के बोलने की बात होती है, जब भी कोई काम करना होता है, पूरे कोविड टाइम में आप देख सकते हैं कि वो लोग अपने घर से नहीं निकले, खाली एक ट्वीट कर देते थे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गली मोहल्ला शहर प्रत्येक आदमी के घर घर जाकर काम कर रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पण के साथ में काम करता है, किसी स्वार्थ के साथ में काम नहीं करता, और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कौन आदमी शहादत, वो तो आप समझ सकते हैं कि पहले उनके क्या स्टेटमेंट थे, आज क्या स्टेटमेंट है। अब वो तो चुनाव का टाइम है, चुनाव के टाइम पर जो आदमी चुनाव के टाइम पर भी सेना को कैश करने की बात कर रहा है, तो उनकी मानसिकता आप खुद समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं अल्मोड़ा में आजीविका महोत्सव का आयोजन किया गया। आजीविका महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया।
अल्मोड़ा पहुंचे सीएम धामी ने रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन किया, साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4,919 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर के माध्यम से स्थानीय काश्तकारों, उद्यमियों व समूहों को फायदा मिलेगा। सीएम ने कहा कि प्रथम चरण में अल्मोड़ा के हवालबाग और पौड़ी के कोटद्वार में ये सेंटर खोले गए हैं, जो लोग अपना स्वरोजगार चाहते हैं और स्थानीय स्तर पर उत्पाद तैयार करते हैं, उनके उत्पादों को बाजार देने और अन्य जानकारियों के लिए आगे प्रत्येक जिले में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर खोले जाएंगे। इस दौरान सीएम ने आजीविका महोत्सव में सभी को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, इसमें ग्रामीण आजीविका मिशन में इंक्यूबेटर्स का जो है, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आगे चलकर इसकी ट्रेनिंग लेंगे और जो हमारे लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, लोकल के काश्तकार हैं, लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, समूह के लोग हैं और जो सामान्य स्थितियों में रहते हैं, उन सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, उनके उत्पादों को बाज़ार मिलेगा। इसके उद्देश्य से दो सेंटर यहाँ पर, एक तो हमारे अल्मोड़ा में हवालबाग में और दूसरा सेंटर कोटद्वार में खोला जा रहा है। उसके बाद अगली कड़ी में हम ये प्रयास करेंगे कि हर जिले में इस प्रकार का एक सेंटर खुले, जो लोग उद्यम करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, लोकल उत्पाद बनाते हैं, अभी उनको मौका नहीं मिलता है, उनको आगे चलकर मौका मिले, जिससे हमारी आजीविका भी बढ़ेगी, हमारा पलायन भी रुकेगा और हमारा जो होम स्टे है उसके लिए भी यहाँ पर आज ट्रेनिंग का सत्र लगाया गया है कि होम स्टे को और कैसे बढ़ाया जाए, जो आगे चलकर हमारी आजीविका और आर्थिकी दोनों के लिए। भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर देवीधुरा के इंजटा गांव के दलित हत्याकांड में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने में पहली बार उत्तराखंड के चंपावत वो पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। वहीं उन्होंने एसपी और डीएम से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने पीड़िता को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिए जाने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनवाने जाने की बात कही है। वही चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि पहले हम पुलिस की कार्रवाई को देखते थे, नहीं तो फिर हमारे पास कुछ साक्ष्य हैं जिन्हें हम बाद में दिखाएंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवा कर रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद के चंपावत दौरे को लेकर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम भी देखने को मिला, जिसमें सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया। आज के बाद जब तक इस देश में जाति व्यवस्था, हम अपनी जाति पे ये सोच के कि हम छोटी जाति के, इस व्यवस्था के अनुसार हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करेंगे, हमें इस बात से नहीं घबराएंगे कि हम छोटी जाति के हैं और इस बात से हम अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपने आप को जो है ना अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। यस सर, समझ रहे हो? यस सर। चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के पास विकास खंड बीरो खाल स्थित वेदी खाल में आयोजित भाजपा के जन आशीर्वाद कार्यक्रम में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने के साथ ही बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भाजपा के वरिष्ठ नेता, क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के नेतृत्व में भाजपा का दामन थामा। जन आशीर्वाद कार्यक्रम में सैंधर, भरोली और फरसाड़ी न्याय पंचायत के 40 से अधिक ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भाजपा में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए सतपाल महाराज के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। यहां सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटन, होम स्टे व धार्मिक पर्यटन से हम आर्थिक रूप से सक्षम हो सकते हैं, इससे निश्चित रूप से पलायन पर भी रोक लग पाएगी। इससे पहले उन्होंने विधायक निधि से निर्मित चौरखेड़ा ग्राम सभा मोटर मार्ग का भी उद्घाटन किया। जो समस्त प्रधान यहाँ पर हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, सबका मैं अभिवादन करता हूँ और बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ कि आपने हमारी पार्टी को बल दिया। और यह हमारी पार्टी को बल नहीं दिया बल्कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने 13 तारीख को काशी को जागृत किया, काशी का जीर्णोद्धार किया और काशी को अविनाशी बना दिया, ऐसा परम वैभव पे काशी को पहुंचाया, हम सब बड़े गौरवान्वित हैं।
वही कालाडूगी में काश्तकार विकास समिति कोटा बाग गिनती गांव सभागार में इफको की ओर से किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिलों के राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती जीरो बजट फार्मिंग पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें किसानों के खेती में होने वाले फालतू खर्चों के बारे में बताया गया। किसान अपने खेतों में ज्यादा यूरिया और केमिकल का इस्तेमाल करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। किसान कट्टे की यूरिया की जगह नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर अपने खर्चों को कम कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर जानकारियां भी दी गई। आज काश्तकार विकास समिति के सभा कक्ष में जीरो बजटिंग और प्राकृतिक खेती पर जो लाइव प्रसारण भारत सरकार द्वारा करवाया गया था गुजरात से, तो काफ़ी उपयोगी हमारे किसानों के लिए रहेगा ऐसा हम समझते हैं। और जिसमें अभी यहाँ पर किसान 50 से 55 के समथिंग किसानों ने इसमें प्रतिभाग किया और काफ़ी लोग प्रभावित हुए इस कार्यक्रम से। आज कोटाबाग में जनपद नैनीताल में ये ब्लॉक है कोटाबाग गांव आता है गिनती गांव, वहाँ पे हमारे इफको द्वारा एक किसान सभा ऑर्गेनाइज कराई गई थी जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था प्राकृतिक खेती जीरो बजट फार्मिंग पे। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 60 किसानों ने प्रतिभाग किया जिन्होंने जीरो बजट फार्मिंग। उत्तराखंड में चुनावों का दौर तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके चलते सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता और स्टार प्रचारक उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि चुनावी रंग का भी गाढ़ा करने में वो इस वक्त लगे हुए हैं। इसी क्रम में रुड़की के पिरान कालियार विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम के जमीन को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली की सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गौतम इंजीनियर शादाब आलम के कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पहले मीडिया को संबोधित किया। इसके बाद पिरान कालियार विधानसभा के ग्राम रांगड़वाला में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नहीं चाहती कि उत्तराखंड में दिल्ली की तर्ज पर लोगों को सहूलियत मिले, इसलिए अब उत्तराखंड के आवाम को समझ जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ही उनका विकास कर सकती है। बच्चों के सपनों को भी साकार करने के लिए एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो अपने चुनाव में किए हुए वायदों को पूरा करे। तो लोग उत्तराखंड में बदलाव चाहते हैं, उनको विकल्प की जरूरत है, और अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली का काम का मॉडल है वो विकल्प के तौर पर उत्तराखंड में आ गया है। उत्तराखंड के लोग चाहते हैं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आए। तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है और मैं समझता हूँ बीजेपी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएंगी। आम आदमी पार्टी इतने मजबूत तरीके से आगे बढ़ रही है और जितना समर्थन उत्तराखंड के लोग आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं उससे ये भरोसा बन पड़ा है कि उत्तराखंड में बदलाव आने वाला है। देखिए, मुझे लगता है कि उन लोगों को अपनी भाषा को दुरुस्त करना चाहिए। क्या दिल्ली के लोग निकम्मे हो गए? दिल्ली के लोग तो अच्छा कर रहे हैं ना। आज इंजीनियरिंग मेडिकल के अंदर जो बच्चे सफल हो रहे हैं, ज़्यादा बच्चे कहाँ के सफल हो रहे हैं? दिल्ली के हो रहे हैं ना। तो अगर नेताओं को, मिनिस्टर्स को, MLAs को, सांसदों को हजारों यूनिट बिजली फ्री मिलती है, अगर 200-300 यूनिट फ्री मिल भी जाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लाल कुआं स्थित रेलवे प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण कर उत्तराखंड की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर हैरानी जताई। उन्होंने हैरानी जताते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद क्षेत्रवासियों से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए जाने की अपील करते हुए राज्य की शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाए जाने का वादा किया। बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लाल कुआं दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने रेलवे कॉलोनी के निकट रेलवे प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों और अभिभावकों से मुलाकात करते हुए स्कूल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। विद्यालय प्रांगण में बने खस्ताहाल टीन सेट में बैठ कर पढ़ने की व्यवस्था पर भी उन्होंने हैरानी जताई। लाल कुआं के एक स्कूल में खड़ा हूँ, सरकारी स्कूल में। ये नैनीताल का एक सरकारी स्कूल है उत्तराखंड में, और बहुत दुख हो रहा है देख के कि 21वीं सदी में हमारे देश के बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है जहाँ पे छत है, ये टीन की छत लगी हुई है, नीचे 1-2-3 क्लासरूम यहाँ लगे हुए हैं, एक टीन के शेड में यहाँ लगे हुए हैं, तो ये 4-4 क्लासरूम तो इसके यहाँ लगे हुए हैं। एक कमरा प्रिंसिपल साहब का बना हुआ है और एक कमरे में टीन शेड में बच्चे पढ़ते हैं। 150 बच्चे पढ़ते हैं, 160 बच्चे मुझे बताया बच्चों ने।
नीचे बैठते हैं बच्चे। उत्तराखंड के बच्चे जो हैं वो उत्तराखंड का भविष्य है, और उत्तराखंड की सरकारों ने, अभी भारतीय जनता पार्टी ने ये स्कूल बनवाए हैं, देख लो ये बड़े चौड़े होते हैं जो हमने स्कूल बनवा रखे हैं, ये स्कूल बनवाए भारतीय जनता पार्टी ने, तीन शेड ऊपर से और नीचे ब्लैक बोर्ड, दीवार पे कुछ नहीं है, पेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस ईंट की सीधी दीवार, उस पर एक ब्लैक स्पॉट बना दिल्ली दिया। के मॉडल से तुलना करें तो यहाँ के हालात में कितना अंतर है? एसटीओ के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मजाक किया है, उसके पहले कांग्रेस ने भी मजाक किया है, उत्तराखंड के लोगों ने बहुत भरोसा किया इन लोगों पे कि ये लोग उनके बच्चों को कुछ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां पर पुलिस लाइन में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंचकर उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिले की समस्याओं और विकास कार्यों की जानकारी ली गई। राज्यपाल ने बताया कि यहाँ पहले भी वे आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि वो पिथौरागढ़ के लिए क्या जो भी सड़क की समस्याएं हैं उन पर वो समाधान करने की कोशिश करेंगे। सड़कों को कैसे स्पीड में लाया जाए, किस तरह से बेहतर काम किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बहुत मेहनती हैं, उनके उत्पादों को कैसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुँचाया जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पिथौरागढ़ आने के लिए उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकिंग, लेबोरेटरी टेस्ट से जुड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। यहाँ के लोगों में ईमानदारी है और दूसरी जगहों से पिथौरागढ़ हटके लगता है। अगर आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले मैं 96-99 में बनबसा में अपने पलटन कमांड की थी, और तब भी चंपावत और इन इलाके में आया था, लेकिन अभी एज ए गवर्नर आने का एक अलग मकसद था। पहला तो कि यहाँ के जो डीएम साहब हैं, जो एसएसपी साहब हैं, उनकी एक डिटेल ब्रीफिंग में सुनना चाहता था, ताकि मैं अपना राज्यपाल के दौरान में मेरे क्या मिशन हैं, मैं क्या कर सकता हूँ पिथौरागढ़, इन सवालों के लिए खुद ही एक जवाब चाहता था। दूसरा, इस इलाके में किस प्रकार से विकास हो, और देखिए कुछ एक पॉइंट्स हैं जो दिमाग में आते हैं, जहन में आते हैं, जिस प्रकार की रिवर्स माइग्रेशन कैसे किया जाए, हमारे इस इलाके के अंदर में कनेक्टिविटी रोड वगैरह कैसे बनाए जाएँ, और पिथौरागढ़ के इलाके में जो बॉर्डर रोड वगैरह है उसमें किस प्रकार से एक रुड़की में कलियर विधानसभा। आम आदमी पार्टी से दिल्ली पहुंचे मंत्री राजेंद्र पाल का आम आदमी पार्टी प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम और उनके कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया। इस बार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को उत्तराखंड की जनता मौका देगी। वहीं पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर गाँव में भी आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यूनिट जाने पर भी उत्तराखंड के लोगों से सस्ती बिजली, यानी उत्तराखंड की सरकार जिस रेट पर उत्तराखंड के लोगों को बिजली दे रही है, आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार उत्तराखंड की सरकार से बिजली खरीद के दिल्ली के जनता को उससे भी कम दाम पे दे रही है, यहाँ तक कि 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। तो अब आप देखिए, अगर दिल्ली की सरकार ऐसा कर सकती है तो क्या उत्तराखंड की सरकार नहीं कर सकती? अगर दिल्ली की सरकार ने सरकारी स्कूलों के स्तर को अपने टोटल बजट का 24% खर्च करके इतना बढ़िया बना दिया कि वहाँ प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम कटाकर सरकारी स्कूलों के अंदर आ रहे हैं, तमाम तरह का इलाज फ्री है, तमाम तरह के टेस्ट फ्री हैं, पूरा का पूरा सरकारी खर्चे पर अगर दिल्ली की सरकार दे सकती है तो क्या उत्तराखंड की सरकार नहीं दे सकती? आज जनसभा का संबोधन किया गया था, क्योंकि आपको बता दूं चौथी गारंटी के रूप में महिलाओं के लिए जो केजरीवाल साहब ने काशीपुर में घोषणा की थी कि हर महिला को 1,000 रुपये प्रति माह आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद दिया जाएगा, उसी को लेकर आज जनसभा थी और माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारंभ प्रदेश सरकार की ओर से किया गया। पूरे प्रदेश में किसानों को 0% ब्याज पर ऋण देने की योजना का शुभारंभ किया गया। विकास नगर के ब्लॉक सभागार में वृहद ऋण योजना के अंतर्गत ऋण मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि मुन्ना सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू, दिनेश रतवाल, सहकारी समिति अध्यक्ष विकास नगर हरबर्टपुर बहुउद्देशीय सहकारी समिति के अध्यक्ष संदीप त्यागी, सहकारिता विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की ओर से इस किसान ऋण मेले में किसान विकास नगर हरबर्टपुर
होरावाला क्षेत्र के 90 कृषकों को 75 लाख रुपए के जीरो ब्याज दर पर चेक का वितरण किया गया। इस मौके पर विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं निरंतर धरातल पर उतरी हैं और कृषकों को इससे लाभान्वित किया जा रहा है। देखिए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत 1 लाख और 3 लाख व्यक्तिगत श्रेणी में और 5 लाख समूह में एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज करने के लिए ये योजना है। सबसे पहले तो मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और अपने बहुत ही ऊर्जावान और जिन्होंने पूरे कोऑपरेटिव का स्वरूप तस्वीर बदल करके रख दी सहकारिता मंत्री श्री धन सिंह रावत जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ में विकासखंड स्तर पर माननीय प्रमुख जी के नेतृत्व में जो हमारी सहकारिता विभाग है और सहकारिता विभाग के ADO से लेकर के और हमारे जितने सब सोसाइटीज़ के अध्यक्षगण हैं और सेक्रेटरीज हैं, एक प्रभावी तरीके से किसानों से बेहतर तालमेल बैठा करके और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिल सके, किसानों की आमदनी बढ़ने में ये कारगर सिद्ध हो सके और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के अनुसार हम किसानों की आमदनी को दुगुना कर सकें। वहीं नई टिहरी के धनौल्टी विधानसभा के पास कड़ीसैड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाग राजा मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि धनौल्टी विधानसभा के पास कड़ीसैड़ में ये पूजा अर्चना की गई थी। उसके बाद विकासखंड कार्यालय प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में 1,41,37,00,000 रुपए की लागत से कुल 21 योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे 24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रत्येक जिले में कैंप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत तमाम युवाओं को ऋण का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से अनेक लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा उसको लेकर भी लगातार प्रयास जारी है। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। दूर दराज के जिले हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों को आगे लाया जाए। इन क्षेत्रों के लिए, इनके उत्थान के लिए जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम लोग निश्चित रूप से अपने प्रस्तावों में ला रहे हैं, उनको स्वीकृति के लिए भेज रहे हैं और ये पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार काम करेगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में हम लोग जो है इन क्षेत्रों का उत्थान करेंगे। मसूरी में बहुउद्देशीय टाउन हॉल का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। आपको बता दें कि 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री सहित मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें क्रिक्रेग पार्किंग, पेयजल निर्माण व शिफन कोट भूमि स्थानांतरण शामिल है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विकास प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि टाउन हॉल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 20 दिसंबर को इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि टाउन हॉल पहाड़ की कलाकृति के हिसाब से बनाया गया है। देखिए, अभी संज्ञान में आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 20 तारीख को जो बहुत सारी योजनाएं हैं उनका उद्घाटन एवं लोकार्पण यहाँ पर किया जाएगा और जो सबसे प्राथमिकता पे है वो जो नगर पालिका और MDDA द्वारा एक टाउन हॉल शहर में बनाया गया है उसका लोकार्पण यहाँ पर होना है। और इस अवसर पर मैं MDDA को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि बहुत सुंदर ये एक टाउन हॉल हमारे शहर को मिला है और इस टाउन हॉल की जो मेन जो इसकी इसका फ़ायदा इसका जब मिलेगा, जब इसकी जो एक पार्किंग है वो स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व की जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि इसका जो एक पार्ट है इसमें से, या इसका बेसमेंट हो या इसका एक भाग हो, क्योंकि जो स्थानीय मसूरी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है और रोड साइड उनकी गाड़ी खड़ी रहती है, तो व्यवस्था बनाने के लिए मैं चाहूँगा कि, और मैं इनके आगे मांग रखूँगा कि स्थानीय लोगों के लिए इसमें जो भी चार्जेस हैं वो उसके लें और स्थानीय लोगों के लिए पार्किंग इसमें रिजर्व की जाए। MDDA की तैयारियाँ कम्प्लीट हो चुकी हैं, टाउन हॉल पूर्णतः कम्प्लीट हो गया है और इसमें जो हमारे 10 गेस्ट हाउस हैं वो भी तैयार हो चुके हैं।
हमारी जो थोड़ी बहुत लिफ्ट की कार्रवाई थी वो भी हमारी पूरी होने वाली है, आज हम उसको चालू कर देंगे और 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे और वो विधिवत इसको हमारे टाउन हॉल को टाउन हॉल का लोकार्पण करेंगे, जनता को समर्पित करेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी MDDA के लिए और MDDA को जो कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार ने 18 बेरीनाग विकास खंड के सानी खेत छलौडी मोटर मार्ग का विधायक मीना गंगोला ने उद्घाटन किया। आपको बता दें कि SC SP के साथ 2,15,00,000 की लागत से 5 किलोमीटर लंबे मोटर मार्ग का उद्घाटन करते हुए विधायक मीना गंगोला ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने की है। उन्होंने कहा कि सड़क के बन जाने से ढिनौली, सानीखेत, ढोलकूड़ा, छलौड़ी की 2,000 की आबादी को इससे लाभ मिलेगा। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरज बिष्ट भी मौजूद रहे। मेरे विधानसभा क्षेत्र गंगोली हाट में वैसे तो हर क्षेत्र में सड़कों का जाल है और आज हमने सानीखेत छलौड़ी जो 5 किलोमीटर सड़क है इसका उद्घाटन करा यहाँ पे और क्षेत्रीय जनता की बहुत लंबे समय से मांग थी और उनकी मांग जायज़ भी थी और आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ और क्षेत्रीय जनता को इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जो वर्षों से इससे ऋषिकेश में ITPL कैलान गेट पे श्यामपुर हाट बाजार तक राहगीरों को अब अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल MDDA की ओर से लगभग 1 करोड़ की लागत से लगाई गई फैंसी स्ट्रीट लाइटें जगमग करने लगी हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने स्ट्रीट लाइटों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्थानीय लोग लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जिसमें स्ट्रीट लाइटें लगवाने पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का भव्य स्वागत व सम्मान किया गया। शहर के अतिरिक्त यदि गांव में स्ट्रीट लाइट लगती है तो इसे अंदाज लगाइए कि मेरे क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है। MDDA के द्वारा मेरे इस ग्रामीण क्षेत्र में 1,05,00,000 रुपए से 80 पोल यहां पे इतने सुंदर और इनका आप देखें डिजाइनिंग और ऑर्नामेंटल लगता है, बहुत खूबसूरत ये लगी है। आज इसका हमने लोकार्पण किया है और निश्चित रूप से रात को जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो देखते हैं कितनी सुंदर लाइट की व्यवस्था इस पोल के द्वारा यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और खाली MDDA के द्वारा यहाँ पे ही काम नहीं हुआ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आप यदि देखेंगे तो आप त्रिवेणी घाट का नज़ारा देखिए आज कितना सुंदर है, वो भी इनके द्वारा बनाया गया है। अभी जिस स्थल पर हम खड़े हैं आज ये ITPL से लेके श्यामपुर क्रॉसिंग तक जो डिवाइडर बना हुआ है उस पर हमने एक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य किया है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम था। इसमें लगभग हमने जो है 80 पोल लगाए हैं और LED लाइट भी लगाई है इसमें। ये कार्य तो प्राधिकरण ने कर ही लिया है। फिलहाल अभी हमारा त्रिवेणी घाट में चल रहा है, इंटरनल रोड्स का काफ़ी हमने इस बीच निर्माण किया है और आगे क्योंकि पार्किंग की काफ़ी डिमांड आती रहती है तो पार्किंग की दिशा में भी प्राधिकरण को प्रयास। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका